नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल रिटिकस गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पीडीवी पैनल यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल विथ एपीएफसी पैनल का जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसका जो प्रोसेस होता है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग एक पैनल बना रहे हैं जिसमें हमने APFC पैनल यूज़ किए हैं, साथ ही साथ इसमें ATF हमने यूज़ किए हैं, मतलब इसमें दो सोर्स हैं। और ये पैनल अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, ये अभी चल रहा है, इसमें काम इसमें चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं उसको। ठीक है, तो इसके इनकमर से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा इनकमर है जो कि 630 एम्पीयर का MSSB है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक बोर्ड का सप्लाई आ जाएगा, इनकमिंग सप्लाई आ जाएगा। और आउट से जो सप्लाई निकलेगा वो हमारा नीचे ATS दिया हमने 630 एम्पीयर का, ATS में चला जाएगा। ठीक है, इसका जो केबल एंट्री है और केबल जो आउट हो रहा है वो दोनों आपका टॉप है, बी कंपनी का MSSB है। इसको ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच भी कहते हैं, मैक, ये बी कंपनी है। ये ATS यानी कि ऑटो ट्रांसफ़र स्विच होता है, और ये 630 एम्पीयर का इसका रेटिंग है। इसमें दो इनकमिंग सोर्स रहता है और आउटगोइंग आपका एक कॉमन रहता है। तो किसी भी एक टाइम पर आपको एक सप्लाई मिलेगा, या तो इलेक्ट्रिक बोर्ड का सप्लाई मिलेगा या तो आपका DC का सप्लाई मिलेगा। उसके लिए नीचे यहाँ पर 8 इनपुट पॉइंट दिए हैं, टर्मिनल दिए हैं। ये DC का दिखा रहा है और ये आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड का दिखा रहा है। ठीक है, और इसके अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो आपका लोड का यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये लोड है ये, और यहाँ पे RYB न्यूट्रल ये दिखा रहा है ये। ठीक है, डो नॉट एंटर इंटरचेंज लिंक बोल रहा है, इधर का लिंक को आपको उस साइड नहीं लगाना है, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और ये यहाँ पर लोड आपका दिया हुआ है। तो इसका जो कॉमन सप्लाई है वो बस बार में चला जाएगा ये, और बस बार से डिफरेंट टाइप के हमारे आउटगोइंग है उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले MSSB है, ये जो भी हमारे स्विच गियर है उस स्विच गियर को माउंट करते हैं। ये देखिए, ATS में ऑटो और मैनुअल का ऑप्शन दिया रहता है, आपको ऑटो करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ऑपरेट हो जाएगा, जो भी सोर्स मिलेगा उस सोर्स की ओर चेंज होएगा। और मैनुअल करेंगे तो इसको बाय हैंडल इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। देखिए, ये यहाँ पे एक हैंडल को इंसर्ट करते हैं, और S1 यानी कि सोर्स 1, S2 यानी सोर्स 2 में जब आप घुमाएंगे तो सोर्स 1 और सोर्स 2 आपस में चेंज हो जाते हैं। ये आपका सेंटर में आपको ऑपोजिशन दिया गया है, ये सोर्स 1 है, सोर्स 2 है। यहाँ पर एक लॉकिंग अरेंजमेंट भी दिया गया है, देखिए ये लॉकिंग अरेंजमेंट दिया है। जब इसको अगर आप लॉक कर देंगे उस कंडीशन में ये चेंज भर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे आप, तो यहाँ पे आप लॉक कर देंगे तो ये आपका चेंज भर है, ऑपरेट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इंडिकेशन के दिया है, आपका सोर्स 1 ऑन रहेगा तो और सोर्स 2 ऑन होगा, तो दोनों को अलग अलग इंडिकेशन दिया है ऑन होने की स्थिति में। ठीक है, और ऑटो के लिए भी यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है, जब ऑटो में रहेगा तो वो इंडिकेशन आपका ब्लिंक करता रहेगा, जलता रहेगा, कंटिन्यू जलता रहेगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट दिया है, NNC का कॉन्टैक्ट है ये, और इसके द्वारा आप पैनल को डोर में अलग से आप ऑन ऑफ इंडिकेशन आप लगा सकते हैं। यहाँ से आउटगोइंग निकलेगा, और ये हमारे जो MSSB है, अगेन हमने यहाँ पे सेफ्टी के लिए 630 एम्पीयर का MSSB दिए हैं। ये हमको DC और इलेक्ट्रिक बोर्ड का प्रोटेक्शन अलग से हमको मिल जाएगा, और यहाँ से जो आउट होगा वो हमारे कॉमन बस बार में चला जाएगा। देखिए, ये हमारा कॉमन बस बार है। यानी पैनल बनाने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं, देन जो स्विच गियर है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, उसको फिट करते हैं, और उसके बाद में बस बार को तैयार करते हैं। लास्ट में इसका वायरिंग का काम आता है। ठीक है, ये 250 एम्पीयर का MSSB है, 250 के MSSB है। इसमें जब हम लोग बस बार यूज़ करेंगे, ये आपका इंसुलेटर बोलते हैं, ड्रम इंसुलेटर कहते हैं हम लोग, और ये बस बार है जो कि 60-10 का सिंगल है ये। तो इधर हम कुछ आउटगोइंग दिए हैं MCB, उसको दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ MCB की बात करें तो 63 एम्पीयर का मैंने 10 MCB यहाँ पर दिए हैं, और कॉमन बस बार से सप्लाई इसमें मैं ले आऊँगा, और आउट को बैक साइड जो TV है उसमें मैंने दे दूँगा। ठीक है, तो नीचे वाला जो पॉइंट रहता है वो आपका इनकमिंग का रहता है, ऊपर का हम लोग आउटगोइंग यूज़ करते हैं। तो नीचे के जितने सारे केबल्स दिख रहे हैं वो आपका इनकमिंग है, और ऊपर से जो निकला वो पीछे हमने टर्मिनल दिए हैं। तो टर्मिनल में आप लोग, ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल में पूरे 4 पोल का जो सप्लाई है वो इसमें हमने कनेक्ट कर दिए हैं। केबल का ड्रेसिंग काफ़ी अच्छा किया है, केबल को ड्रेसिंग करने के लिए थोड़ा सा आपको लंबा रखना पड़ता है, अदरवाइज केबल का ड्रेसिंग नहीं हो पाता है, है ना। ये आपका 250 एम्पीयर का MSSB है,
तो 250 एम्पीयर का एमसीएस भी है, उसमें आपका बस बार बन जाता है। तो यहाँ से हम लोग बस बार को कनेक्ट करेंगे, डायरेक्ट बस बार भी कनेक्ट हो जाएगा। और आउटगोइंग को हम लोग बैक साइड दिए हैं। तो ये जो पैनल है आपका फ्रंट और रियर दोनों साइड ओपन होने वाले पैनल है ये। बस बार को फ्रंट साइड देते हैं और केबल जो चैम्बर है उसको हम लोग बैक साइड दिए हैं। तो याद रखना पीडी पैनल में हम लोग बस बार फ्रंट में देते हैं और केबल चैम्बर को बैक साइड देते हैं, लेकिन एमसीसी पैनल में जस्ट उल्टा होता है। आपको बस बार को बैक साइड देते हैं और जो फीडर आउटगोइंग रहता है केबल चैम्बर उसको फ्रंट में देते हैं। यहाँ पे हमने लाइटिंग टाइमर के लिए स्टार्टर यूज़ किए हैं। तो लाइटिंग टाइमर स्टार्टर एक ऐसा स्टार्टर होता है जिसमें टाइम आप सेट कर देंगे और जो लाइट है वो अपने आप ऑटोमेटिक बंद चालू हो रहता है जो टाइम आप सेट करेंगे, ठीक है। अगर इसके बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से इसके बारे में वीडियो बना दूँगा। जिसमें कंट्रोल रूम से भी सिंगल पोल एसपी यूज़ किए हैं और पावर के रूम में डीपी 32 एम्पीयर का यूज़ किया है। कॉन्ट्रेक्टर भी हमने 32 एम्पीयर का यूज़ किया है। एक हमको लाइटिंग टाइमर की रिक्वायरमेंट होगी जो कि ऑटो की कंडीशन में ऑपरेट होगा। लाइटिंग टाइमर में दोनों प्रोविज़न दिया रहता है, ऑटो मैनुअल का। अगर ऑटो काम न करे तो आप मैनुअल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका आउटगोइंग, अभी हमने सिर्फ एमसीसी को फिट किए हैं। ये बस बार में हम लोग केबल को कनेक्ट कर देंगे और आउटगोइंग को हमने बैक साइड टीवी में दिए हैं ना, जिसको हम लोग पावर टीवी कहते हैं, एल सपोर्टर कहते हैं, ठीक है। एल सपोर्टर है, ड्रम इंसुलेटर है, अलग अलग नाम है। यहाँ पे हमने एपीएफसी पैनल यूज़ किए हैं। इस एपीएफसी पैनल में हमने रिले नेपच्यून कंपनी का यूज़ किए हैं। नंबर ऑफ स्टेज की बात करूँ तो 6 स्टेज का ये पैनल है, 6 स्टेज का है, नेपच्यून कंपनी का RM8 इसका मॉडल है। और ये इसका इनकमर सप्लाई है। एपीएफसी के लिए जो इनकमिंग सप्लाई लेते हैं वो डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो बस बार है वहाँ से लेते हैं, न कि कॉमन से लेते हैं, क्योंकि जब डीजी चालू होगा तब भी आपका एपीएफसी चालू हो जाएगा जो कि अननेसेसरी चलता रहेगा। सो इसको हमने अलग से इलेक्ट्रिक बोर्ड से सप्लाई देंगे। ये आउटगोइंग है। अब इसका पावर बारी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या होता है कि बस बार से आपका एमसीबी में, एमसीबी से कॉन्ट्रेक्टर में और कॉन्ट्रेक्टर से निकलकर कैपेसिटर में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब भी कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट होगा आपका कैपेसिटर लाइन में आ जाएगा। तो एमसीबी हुआ ये आपका कैपेसिटर ड्यू टू कॉन्ट्रेक्टर हुआ। यहाँ से सप्लाई लेके गए एमसीबी में, कैपेसिटर ड्यू टू कॉन्ट्रेक्टर और कैपेसिटर दिए उसमें कनेक्ट कर दिया। तो इसकी वायरिंग बहुत सिंपल रहता है, ड्यूल स्टार्टर का वायरिंग रहता है। जब मैनुअल चालू करते हैं तो ड्यूल स्टार्टर जैसे पुश बटन या सेलेक्टिव स्विच उसके द्वारा ऑपरेट होता है, और अगर ऑटो में चालू करेंगे तो ये जो रिले रहता है वो उसको ऑटोमेटिक ऑपरेट करता रहता है। जो भी आप इसमें पावर फैक्टर सेट करेंगे उसी के अनुरूप वो काम करता रहेगा। देखिए सेलेक्टिव स्विच ऑटो मैनुअल का और ऑन ऑफ का स्विच दिए हैं। तो जब पैनल को ऑफ ऑटो में रखेंगे तो सबको ऑफ रखना पड़ेगा, और अगर मैनुअली स्टार्ट करना है उस कंडीशन में इसको हमको ऑन करना पड़ता है। बाकी ऑटो में सारे सेलेक्टर स्विच ऑफ रहना चाहिए, ठीक है। ये मीटरिंग सेक्शन है जिसमें RYB इंडिकेशन दिया है, वोल्ट मीटर दिया है, एम्पेयर मीटर दिए हैं। तो ये सिटी का वायरिंग है, सो ये आपका एम्पेयर मीटर है, ठीक है। और ये वोल्ट मीटर है, इसमें पीटी का वायरिंग है, पीटी के लिए पीटी के एमसीबी दिए गए हैं। इस साइड भी दिखा रहा हूँ, RYB इंडिकेशन हुआ, ये आपका एम्पेयर मीटर है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। बैक साइड कैपेसिटर हम लोग रखे हुए हैं, इसको कैपेसिटर बैंक या रेक कहते हैं। केबल ज्वाइंट नहीं करना चाहिए, बट छोटा कैपेसिटर है ये, 2 की वायर है, 3 की वायर का, तो इसमें केबल दिया सो ज्वाइंट किए हैं। बाकी सब में देखने के डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्टर से आपका कैपेसिटर में आपका पावर केबल जो है आया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक पैनल को हम लोग प्लांट में मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। और अगर ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल जेड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और भी आप लोग कुछ पैनल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।